छोटी सी चिड़िया है ना, आप देख सकते हो ये चिड़िया जो है वो पूरी पीली पीली हो गई है परागरत से। ये एक फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी ना, तो ये जो उस पर जो पीला पीला ये फ्लावर का यहाँ से चिपकता है, देखा ये अंदर जाती है ना। तो देखो मैं और झूम कर सकूँ तो बताती हूँ, देखो अंदर वो चिड़िया घूमती है ना, उसकी वजह से चिड़िया क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं जो भी है, बट ये छोटा छोटा जो होता है वो फिर एक एक फूल से वो दूसरे फूल फूल पर जब जाता है ना तो उससे बन जाता है ऐसा फल। ये देखा ये कितना बड़ा फल हो गया है, ये है कद्दू। पकेगा तब बताऊंगी, अभी तो बहुत ही छोटा सा है। ये रहा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह में उठकर मुझे यहाँ पर आ जाना बहुत ही अच्छा लगता है, और आज साथ में फ़ोन भी लेकर आई थी तो सोचा चलो यहाँ से ही वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं टहलती हूँ, सुबह में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पौधों को देखना, उसमें क्या क्या नया ग्रो हुआ है सब देखती रहती हूँ मैं उसे, तो फिर और उसमें थोड़ा बहुत जो काम बढ़ता है वो भी पता चलता है उसमें, जो साथ में जो छोटे छोटे और पौधे जो हो जाते हैं वो हमें निकालने पड़ते हैं बार बार, तो वो सब चीज़ें भी देखनी होती है कि कहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर भी देखो एक फूल आ गए हैं, यहाँ पर भी देखो ये बटन स्क्वैच है, देखो छोटे छोटे लग गए हैं। आई होप वो चिड़िया यहाँ पर भी घूमती घूमती आए और यहाँ पर भी फल को ग्रो करे और ज़्यादा। टमाटर भी लग गए हैं, अभी शुरुआत हुई है टमाटर की, देखते हैं कितने निकलते हैं। ये लंबे वाले हैं शायद और ये गोल वाले हैं। अब मैं जाऊंगी नहा धो के चाय नाश्ता करने के लिए, फिर देखते हैं क्या काम आज करते हैं। आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। कल शाम को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है तो उसे मैं अभी रख रही हूँ, मैं जब तक चाय पी रही हूँ तब तक आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। आप लोग ऑलरेडी जो ब्लॉग देख चुके हैं वो मेरा दोपहर का ब्लॉग था, और ये अभी शाम का ब्लॉग है जो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं रखूँगी। तो शाम के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं ये स्टोर करी हुई सब्जियों को फिर किस तरीके से यूज़ करती हूँ, इसको डिफ्रॉस्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये मैंने अभी निकाले हैं बैंगन, तो उसको मैं थोड़ी देर पानी में भिगो के रखूँगी हल्के से वार्म वाटर में। मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ दूँगी और फिर बाद में मैं उसको कट कर दूँगी। अभी आमिन देख रहा है अपना कोकोमेलन और मैं बनाऊंगी खाना। आप जैसे शेप में काटना चाहो आप ऐसे शेप में उसको काट सकते हो, ठीक है। मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इस तरीके से उसको काट रही हूँ। अर्पित को आलू बैंगन की सब्जी बहुत ही पसंद है, अभी उनका फ़ोन आया कि मैं आज आलू बैंगन खाऊँगा डिनर में, तो मैंने बोला अच्छा चलो फिर ये आज बना देते हैं और आपको मैं दिखा भी देती हूँ। फिर यहाँ पर ये जो फ्रोजन लीलवा मिलते हैं वही हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, अभी मैं ये फ्रोजन लीलवा को भी वॉश करूँगी सब्जियों के साथ में, तो वो अलग अलग फिर हो जाएंगे। तेल हो गया है गरम तो मैंने डाल दिया है उसमें जीरा, थोड़ा और जीरा डालूंगी फिर डालूंगी राय, ये दोनों चटकने लगे तब डालूंगी उसमें थोड़ी सी हींग, साथ ही में कड़ी पत्ते दो तीन। सबसे पहले मैं इसी तेल में सब्जियों को सौते करूंगी। यहाँ पे डाला है मैंने लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और आधा चम्मच डालूंगी अदरक का पेस्ट। सब्जी अच्छे से सौते हो जाती है बाद में उसमें डालते हैं हम मसाले,
तो सबसे पहले मैं ये तीखी वाली मिर्ची थोड़ी कम ही डालूंगी, क्योंकि अर्पित को ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कलर लाने के लिए फिर कश्मीरी मिर्ची ज़्यादा डाल देती हूँ। और हल्दी तो चाहिए ही चाहिए, और धनिया जीरा, इसको हम कर देंगे मिक्स और फिर हल्की आंच पे पकने देंगे, बट उसमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा पानी। तो मैं इसमें करीबन 1.5 ग्लास जितना पानी डालूंगी। नमक डालना है सब्जी के हिसाब से, और फिर मिक्स करके उसको ढक देना है, और जब तक ये बनेगा सब्जी तब तक हम आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए। मेरे पास आटा गूंदने वाली मशीन है, फिर भी मैं हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही आटा ज़्यादा पसंद है। अभी मैं इसको लगा के 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, और बाकी दोबारा उसको मस लूँगी। ये धनिया है जो मैंने आपको कल दिखाया था कल के ब्लॉग में, और इसको हम वॉश करके सब्जी में डाल सकते हैं। हो गया ना छोटा छोटा पतला पतला धनिया। वो लाल वाले बर्तन में तो ये आपको काले रंग की दिख रही थी, बट आप ये देख सकते हो सफेद वाले में कि कितनी हरी हरी पत्तियां रहती है, और बिल्कुल ताजा फ्रेश धनिया हम लोग यूज करते हो, ऐसा ही उसका स्मेल और टेस्ट आता है, खाने में मजा आता है। ये सब्जी को हम लोग ज़्यादा तीखी सब्जी नहीं खाते, इसलिए तीखा वाला कलर जो है वो हमारी सब्जी में कम होता है। कल जो सब्जी बनाई थी वो सारी हो गई है ख़त्म, और अर्पित को अभी वापस से वही सब्जी खानी थी, तो फिर मैंने फटोफट वो सब्जी कुकर में बना दी है। अभी देखते हैं कि हो गया है कि नहीं, चेक करने आई हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी सब्जी बन के रेडी हो गई है, कुकर में भी बहुत ही मज़ा आएगा ये खाने का, और अर्पित को इतनी पसंद है तो आज मुझे तुरंत दोबारा भी बनानी पड़ी है। अभी आमिन देखो बड़े बड़े चप्पल पहन के घूमना चाहता है। ना गुड बॉय, अपने जूते छोड़ के ये देखो ये क्या पहन रहा है, ये अभी कबाट में से लेकर आया है पसंद करके ये वाली चप्पल। हमें उल्टे पहने हैं तूने। मैं पापा को चाबी दो। चाबी आपो। हाँ। बैग भी आपो चलो। और टाटा बोल दो। बैग आपो। हाँ। बैग तो हैवी है उससे नहीं दे पाएगा। टाटा करो, पापा को टाटा करो करो। वेरी गुड, पापा अब जाएंगे, आमिन और मैं अकेले हो जाएंगे ना। चले गए पापा, है ना आमिन? डैडी डैडी चले गए। मैं बोलती हूँ पापा तब वो बोलता है डैडी, ऐसा है, ये उल्टा है हमारा। जब त्यौहार आता है तब हम कपड़े पहनना होता है एक, बट ट्राई करते हैं 3, 4, 5 जितने मन करे उतने। तो बहुत सारा रूम में खिलारा हो गया है अभी, तो मैं आज वही सब समेट रही हूँ। तो जो ड्रेस पहना था मैंने वो ये वाला था त्यौहार पे, तो ये पूरा टिक्की वर्क है यहाँ पे, और यहाँ पर नेट है, तो इसको दूसरे कपड़ों के साथ भी धो सकते हैं वैसे, बट मैं कैसे धो रही हूँ वो बताती हूँ, शायद ये टिप्स आपको भी काम में आए, कि आप में से किसी को तो आएगी ही। तो ये है मेरा क्लोथ बैग, जो कपड़े धोने के लिए ऐसे कपड़े जो होते हैं हैवी, उसको मैं इस बैग में ऐसे डाल देती हूँ।
आपको यूं लग रहा होगा कैसे मुड़ा हुआ है तो कैसे साफ होगा, बट हो जाता है, बहुत ही अच्छे से होगा साफ। हाथों से कर सकते हैं ना, उससे भी अच्छा हो जाता है। तो ये मैं डाल दूंगी डेलिकेट को। डेलिकेट जो कपड़े वॉश करते हैं वो ऑप्शन आपके मशीन में भी होगा, मेरे मशीन में भी है यहाँ पर, तो मैं वो यूज करूंगी। ठीक है, बहुत ही लाइट अक्षरों में लिखा हुआ है तो शायद आपको दिखेगा या नहीं, बट डेलिकेट से यहाँ पर आएगा, तो मैं वो अभी स्टार्ट कर दूंगी। अभी देखो अर्पित की भी 1, 2, 3, 4 कितनी सारी टी शर्ट उन्होंने भी ट्राई करी थी। मैंने भी ये मेरे ड्रेस अलग अलग ट्राई किए थे, फिर पहना हमने हमारा पुराना वाला ही, नए कपड़े देख के रख दिए। तो अभी ये सब खिला रही है सारा, मुझे अभी समेटना है। फाइनली अभी मैंने पूरा रैक खाली कर दिया है। सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम ये वाली चीज़ में लगा है, ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर रेडी होने के लिए शीशा दिया गया है, और अंदर यहाँ पर इयररिंग के लिए सब कुछ यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने मोती वाले सेट रखे हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वाले रखे हैं। अंगूठी में बहुत ही कम पहनती हूँ, इसलिए अंगूठी मेरे मैं कम रखती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा बहुत मेकअप का भी सामान रखती हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी, वापस अंदर रखनी थी मुझे, तो ये सब अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलो फिर आज का ये काम हो गया। नए कपड़ों को कभी भी मैं ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ, उसको मैं धूप में ही सुखाती हूँ, और वो भी हल्की धूप में। ज़्यादा तेज धूप होती है तो मैं फिर छांव में उसको रैक में रख देती हूँ। बस तो फिर इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। गाने के बीच में फोन आ गया लगता है।